वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बस बहुत हुआ इन कट्टरपंथियों का अत्याचार, बहुत हुआ इन नमक हरामों का जुल्म। आखिर कब तक सहेंगे, लिमिट होती है। कभी ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं तो कभी हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं, कभी हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं तो कभी पुजारियों के साथ मारपीट करते हैं। देश में हर दिन ऐसी ही खबरें सामने आती हैं जहां पर कट्टरपंथियों का अत्याचार देखने को मिलता है। ताजा खबर यूपी के लखीमपुर से है जहां पर हिंदू युवक का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया है। बता दें कि हिंदू युवक को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाया गया था। कुछ लोगों ने युवक को धर्मांतरण के लिए मोहम्मदी के एक मदरसे में बंधक बनाकर रखा था। मामला संज्ञान में आने पर बीजेपी विधायक ने पुलिस से संपर्क किया और तत्काल युवक को छुड़ाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है वह फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मदरसा संचालक मौलाना यूनुस फरार हो चुका है। पीड़ित के पिता ने बताया कि करीब 5 महीने पहले भट्टे पर ही काम करने वाले राशिद और सहबाग ने इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया था। यह लोग अनुज को दिल्ली में काम कराने के लिए बेहला फुसला कर अपने साथ ले गए थे। पीड़ित के पिता ने बताया कि उन्होंने कई बार अपने बेटे से फोन पर बात करने का प्रयास किया था और उसकी तलाश भी की थी, लेकिन वह अपने बेटे को खोज नहीं पाए थे। 29 अक्टूबर को उन्हें पता चला कि उनके लड़के को एक नगर के मदरसे में जबरन धर्मांतरण करने के लिए 2 लोग अपने साथ ले गए हैं और वहां पर उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है। ऐसे में जब दामोदर अपने लड़के से मिलने के लिए वहां गए तो उनके लड़के ने बताया कि सभी लोग उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाते हैं। हालांकि पुलिस ने समय रहते युवक को छुड़ा लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।